नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं वातनाशक रोगों के बारे में। तो दोस्तों, ये तो आप भली बात ही जानते ही हैं कि हमारे शरीर में जितने भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितने भी जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितने भी शरीर के हिस्सों के दर्द के बारे में बात है, वो सब वात के कारण होते हैं। क्योंकि वात हमारे जब कुपित होता है, वायु जो हमारे शरीर की कुपित हो जाती है, तो वह तरह तरह के रोग उत्पन्न करती है। तो इस वीडियो में आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि हम ऐसे क्या उपाय करें, ऐसे क्या घरेलू नुस्खे हम आयुर्वेद को फॉलो करके करें कि जिससे हमें वात रोग कभी हो ही ना। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं वात रोग होते क्यों हैं। क्योंकि जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में 20/85 रोग आ जाते हैं। क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण हमारे रोग कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कुछ की बात करते हैं तो हर तरह का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, रक्त विकार यानी कि खून से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम हो, कफ रोग जितने भी हैं, ये सब कैल्शियम की कमी के कारण हो जाते हैं। क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा घटक है, सरल भाषा में बोले तो एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है कैल्शियम, जिसकी कमी के कारण अगर बाकी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं अगर उनको उपयोग करना है तो वो भी उपयोगी नहीं होते जब तक कि शरीर में कैल्शियम ना हो। जैसे कि अगर आपको शरीर में विटामिन ए का असर देखना है तो उसके लिए कैल्शियम जरूरी है, अगर विटामिन बी का असर देखना है उसके लिए कैल्शियम जरूरी है, अगर विटामिन के का असर देखना है उसके लिए कैल्शियम जरूरी है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का असर देखना है उसके लिए कैल्शियम जरूरी है, प्रोटीन का असर देखना है उसके लिए कैल्शियम जरूरी है, फैट्स अच्छे से डिजोल्व हो रहे हैं हमारे शरीर में और अच्छे से लुब्रिकेंट जहाँ पे जरूरत पड़ रहा है वहाँ पे बन पा रहा है तो उसके लिए कैल्शियम जरूरी है। कुल मिला के एक लाइन में बोले तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आधुनिक विज्ञान तो अब जाने ही बात पर, लेकिन बाबर जी ने 3000 ईस्वी पूर्व पहले ही बता दिया था कि हमारे शरीर में 40 से 45 साल तक हमारे शरीर को बाहर से कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि हमारा खान पान जितना है उससे हमारे कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। जैसे कि दूध है, दूध बहुत कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, दही है, पनीर है, मक्खन है, घी है, ये सब कैल्शियम के हमें पूर्ति कर देते हैं हमारे शरीर में। और इसके अलावा जैसे बात करें फलों की, संतरा है, नींबू है, या जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, इमली ले लीजिए, अंगूर ले लीजिए या केला ले लीजिए, केला इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में इसमें होता है। जैसे 40 से 45 साल की एज कंप्लीट होती है तो हमें कैल्शियम की पूर्ति खाने से नहीं हो पाती, क्योंकि कैल्शियम हमारे शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हमें बाहर से कैल्शियम के स्रोत को लेना ही पड़ता है। अब जैसे फीमेल्स के लगा लो कि जैसे 40-45 साल की उनके मेनोपॉज आ जाते हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो उनको उनके शरीर में हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं, तो उसके लिए कैल्शियम कहाँ से आएगा, उसके लिए फिर कैल्शियम उनको बाहर से लेना पड़ता है। जरूरी नहीं कि फीमेल से कैल्शियम की नीड पड़ती है 45 साल के बाद, मेल्स को भी सेम चीज़ की जरूरत पड़ती है। बट लेकिन कैल्शियम की पूर्ति आप करोगे कैसे, सवाल ही उठ जाता है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है चूने का पत्थर, जो ईजिली अवेलेबल भी है, बहुत सस्ते है, कीमत पर मिल जाता है, बहुत ही कम अमाउंट में यूज होता है और इससे आप अपने सालों साल परिवार की कैल्शियम की कमी को पूरा कर पाते हैं। इसके साथ साथ दालचीनी है, इसके साथ साथ आपका मेथी दाना है। आप दालचीनी का भी आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं और उसके साथ मेथी पाउडर का भी पाउडर बना लो, दोनों के पाउडर को मिक्स करके एक चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं खाली पेट। इसी के साथ बागवर जी ने और चीज़ बताई कि जैसे गुड़ को दालचीनी पाउडर के साथ अगर अच्छे से मिक्स कर लिया जाए और उसको खा लिया जाए और बाद में फिर हल्का सा थोड़ी देर बाद गुनगुना पानी पी लें तो वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। फिर आपके शरीर में कम से कम 50 रोग आपके कम हो जाएंगे अगर आप ये डेली करने लग जाएं 3 महीने तो। और हर चीज़ को 3 महीना करने का 20 दिन का ब्रेक देना और 3 महीने फिर आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ अगर आप शहद के साथ मर्दन करते हैं दालचीनी पाउडर का तो वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर आप ये सब चीज़ करते हैं तो आपके शरीर में कोई वात व्याधियाँ उत्पन्न नहीं होंगी। तो यही कुछ जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में मुझे बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।